हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंसिस्टेंसी ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहले हम कंसिस्टेंसी का मतलब समझ लेते हैं। इफ वी हैव टू लीनियर इक्वेशंस एंड सपोज दीज टू लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन or infinitely many solutions, then we can say that these two linear equations are consistent. If given two linear equations have unique solution, then the equations are consistent. If given two linear equations have infinitely many solutions, then these equations are dependent linear equations, but also they are consistent. And if given two linear equations do not have any solution, then we can say that these two linear equations are not consistent, that is inconsistent. तो एक या अनेक solution है तो हम कह सकते हैं कि वो linear equations consistent है। अगर एक भी solution नहीं होगा तो वो inconsistent है। तो चलिए step by step ये समझ लेते हैं। तो पहले हम ये दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ निकालते हैं। तो ये रहा उसका ग्राफ। तो दोस्तों, इस ग्राफ में हम देख सकते हैं ये दो लाइंस एक दूसरे को पॉइंट बी में इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसका सॉल्यूशन होगा 3, 0, दैट इज x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0 इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दिस टू लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो इसका मतलब ये दो इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो गए। ओके, दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। तो उसको और कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। नाउ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशंस। तो इसका ग्राफ हम निकाल लेते हैं। तो ये रहा उसका ग्राफ। तो दोस्तों, यहां पर हम देख सकते हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे पे है, यानी वो कोइंसिडेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट तो है मगर उनको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। अगर एक पॉइंट लाइन पी क्यू पर होगा तो डेफिनेटली वो पॉइंट लाइन क्यू आर पर भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वेशन को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। So these two linear equations are dependent linear equations, also they are consistent. Okay? तो अब हम इसका ग्राफ निकालेंगे। तो ये रहा उसका ग्राफ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, यानी ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये दो इक्वेशन को एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ये दो इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है, यानी दीज टू इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ये तो आपके समझ में आ गया। ओके, तो हम ग्राफ की सहायता से ये डिसाइड कर सकते हैं कि दो इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर हम ग्राफ के बिना भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि गिवन टू लाइंस को यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हम ग्राफ के बिना भी डिसाइड कर सकते हैं। तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये अब हम देखेंगे। तो इस ग्राफ में देखो, ये दो लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस दो इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन है। तो 3, 0 इज द यूनिक सॉल्यूशन और कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दिस टू लीनियर इक्वेशंस। तो इसका हम पहले जनरल फॉर्म निकालेंगे। सपोज इसका जनरल फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0 और इसको हम a2x + b2y + c2 = 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले a1 / a2 इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो a1 है 2 और a2 है 3।
उसके बाद बी वन अपॉन बी टू, हियर बी वन इज 3 एंड बी टू इज 5, एंड सी वन अपॉन सी टू, हियर सी वन इज -6 एंड सी टू इज -9, दैट इज 2/3। तो यहां पर हम देख सकते हैं ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो ये दो रेशो इक्वल यहां पर नहीं है। ओके, तो यहां देखते हैं, इन दिस ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू, हियर ए वन मीन्स हियर 1, सो 1 अपॉन ए टू इज 3। नेक्स्ट बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू, बी वन इज -2 एंड हियर बी टू इज -6, दैट इज 1/3। एंड सी वन अपॉन सी टू इज 8/24, दैट इज 1/3। तो यहां पर हम देख सकते हैं ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ये दो रेशियो की वैल्यू इक्वल है। उसके साथ सी वन अपॉन सी टू भी इसके साथ है, यानी यहां पर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, और यहां पर उसकी वैल्यू देखेंगे ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू 1/2, बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू -2/-4, दैट इज 1/2, एंड सी वन अपॉन सी टू इसकी वैल्यू है 6/8, दैट इज 3/4। तो यहां पर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। When two lines intersect each other in a point, then a1 upon a2 not equal to b1 upon b2। तो अगर ये दो रेशो इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि गिवन लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ओके, तो यहाँ पर देखो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, ये तीन रेशो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं गिवन टू लीनियर इक्वेशंस आर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस एंड दे आर आल्सो कंसिस्टेंट बिकॉज दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन दिस केस गिवन टू इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन दिस केस गिवन टू इक्वेशंस हैव unique solution, that is the equations are consistent. In this case also equations are consistent, but here first two ratios are equal, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but third ratio c1 upon c2 is not equal to a1 upon a2 or b1 upon b2. So in this case we can say that equations are inconsistent because they have no solution. दोस्तों आप सोचेंगे यहां पर c1 upon c2 क्यों नहीं लिया, तो कभी कभी c1 upon c2 की वैल्यू a1 upon a2 जैसी आ सकती है या फिर b1 upon b2 जैसी आ सकती है, मगर ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू इन दोनों की वैल्यू अगर सेम नहीं होगी तो ये तीसरा रेशो कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर पहले दो रेशो इक्वल है तो हम थर्ड रेशो कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना, और आपके कुछ सुझाव हो गए तो ज़रूर मुझे बता देना। ओके, थैंक यू।